नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। जम्मू जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि नोड़िया एक गांव है, वहां पर एक पति के द्वारा अपनी ही पत्नी की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि ऐसा आरोप मृतिका के बड़े बेटे ने लगाया कि मेरे माता और पिता एक साथ जंगल में गए थे और उसके बाद मेरे पिता ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि SDPO रविशंकर प्रसाद से हमने बातचीत की, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वीरभद्र सिंह, उनसे भी बातचीत हुई है। SDPO रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देखिए, मामला संज्ञान में आया है और पुलिस भी मौके स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सर, ये ललिता देवी की जो हत्या हुई है चंद्रमंडी थाना क्षेत्र में, सर इसमें क्या पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, सर और क्या मामला है? अच्छा, ये नोड़िया गांव है घुटवे पंचायत में चंद्रमंडी के, वहाँ पर ये ललिता देवी जो है, इनके पति दिनेश राणा है और इनका बेटा 10 साल का है, और उसी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये माँ को लेकर लकड़ी काटने के बहाने जंगल में ले गया और वहाँ इसका हत्या कर दिया और लाश को छुपा दिया। फिलहाल सर, पुलिस के सामने क्या सामने आ रहा है, घरेलू विवाद या किस पर? घरेलू इन लोग का, इसका कुछ घरेलू विवाद था आपसी में, पति पत्नी में, इस पर जांच चल रहा है। शव पोस्टमार्टम में चला गया है। कितनी उम्र होगी सर? मृतका का उम्र 33 वर्ष के लगभग बताया जा रहा है, 10 साल का उसका बच्चा है। तो बच्चा ही बयान दे रहा है, उसका बेटा ही बयान दे रहा है? हाँ हाँ, बेटा ही बता रहा है कि वो लकड़ी काटने के बहाने जंगल में ले गया और वहीं उसका हत्या कर। कितने लोगों का सर नाम सामने आ रहा है? इसे तो एक ही आदमी का संलिप्तता है, लेकिन इसके मैके वाले 4-5 आदमी को नेम्ड कर रहे हैं, वो जांच में पता चलेगा। पति क्या पुलिस से बाहर है क्या? हाँ, अभी वो उसी समय से भागा हुआ है। शादी कब हुआ है? 12 साल के हुआ है, करीब हो गया 12 साल। हाँ, तीन गो लड़का है। शादी होने के बाद एक साल ठीक रखा था, उसके बाद मारपीट करने लगा, बोला ससुराल से नैहर से अपना गाड़ी लाओ और पैसा लाओ, और नहीं तो इसी विरोध में मारते रहता था। घर में केवाड़ी दरवाज़ा बंद करके चमोटी से मैंने मारते रहता था, चमोटी से मारते रहता। 3 बार उसको घर में जाके पंचायत करवाएँ तो भी नहीं माना, उसके बाद एक बड़ा पंचायत करवाएँ तो भी नहीं माना था। हम अपना जिला में गए हैं, गिरिडीह जिला में गए हैं, वहाँ केस किए हैं। केस करने के वहाँ पर केस किए, 2 साल हम अपना बेटी अपना घर में रखे हैं। केस करने के वहाँ जिला पदाधिकारी 2 महीना पहले अभी से विदा करवाया, बोला अच्छा से हम लड़का ले जाएगा, लड़का से भी परिचय लिया, बोला हाँ अच्छा से रखेंगे, तब हम लोग विदा दिए उसको। तो हमको पूछा कि पता जिला वाला गिरिडीह जिला में जो अच्छा से रखेगा बेटी को विदा अपने देगी, बोला दे देगा, बोला हाँ दे देंगे। तो बोला अच्छा ठीक है खिला सकता। उसके बाद 2 महीने के बाद ही, हाँ 2 महीने के बाद ही पूरा मार के, सब मिल के पूरा परिवार मार के फेंक दिया।